नमस्कार, मैं रितु मदान, आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया 47 हिंद की बात हिंदी में, और मैं आपका स्वागत करती हूँ सुपर फास्ट 20 में, जहाँ हम देश भर की 20 बड़ी खबरों की बात करेंगे। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। This program is sponsored by 100 Inspiring Indians, a book to recognize the achievers and inspire the Indians. If you have done something remarkable in your life and think that your work can inspire millions, we are here to take the story to everyone. For that, nominate yourself at www.100ii.in. Rajya Sabha Sansad Amar Singh ka nidhan, Singapore mein li antim saanse, pichle 6 mahino se bimar the. Pradhan Mantri PM Modi ji ne tweet kar kar di shradhanjali, Rashtrapati Ramnath Kovind ne jataya dukh. पंजाब में जहरीली शराब का कहर, अब तक 86 लोगों की मौत, 2 डीएसपी, 4 एसएचओ, 7 एक्साइज अफसर सस्पेंड, जांच से खुलासा, हाईवे के ढाबे से होती थी नकली शराब की सप्लाई। दिल्ली के फतेहपुर मस्जिद में लोगों ने मास्क पहनकर नमाज अदा की, गले लगाकर एक दूसरे को दी ईद की बधाई। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास फुलबारी में बनाई गई ईद, दोनों देशों की सेना ने एक दूसरे को मिठाई देकर ईद की मुबारकबाद दी। महाराष्ट्र सरकार ने 5 अगस्त से नियमों के साथ मॉल खोलने की अनुमति दी, बिना मास्क की इजाजत नहीं, अभी नहीं खुलेंगे ट्रायल रूम। टूपी में गाड़ी चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल किया तो लगेगा 10,000 का जुर्माना, परिवहन विभाग ने किया ऐलान। नोएडा सेक्टर 11 में एक फैक्ट्री में चल रहे निर्माण के दौरान हुए हादसे में 2 की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता कोरोना को नजरअंदाज कर स्वागत समारोह में पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गयी। नई शिक्षा नीति पर बोले पीएम मोदी, शिक्षा नीति के बदलाव से भारत की भाषाओं का विकास होगा, नई शिक्षा नीति बाबा साहेब अम्बेडकर को समर्पित है। बिहार पुलिस ने सुशांत केस पर सहयोग न मिलने पर मुंबई पुलिस पर हमला बोला। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक रिया के करोड़ों का बिल चुकाते थे सुशांत। कर्नाटक के रायचूर जिले में एक शादी में शामिल होने वाले 70 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। दुबई ने शुरू की वीजा जारी करने की प्रक्रिया, भारतीय सहित कई देश के लोग ले सकते हैं वीजा और आ सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका में भी टिकटॉक पर बैन लग सकता है, फिलहाल दूसरे विकल्प की तलाश में है। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए आखिरी दौर की तैयारियां, आज जाएंगे सीएम योगी, 5 अगस्त को पीएम के मंच पर होंगे सिर्फ 5 खास लोग। होटल और बाजार खोलने की मांग पर दिल्ली में सियासी घमासान तेज हो गई है, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, लोगों की जान बचाना जरूरी है या होटल खोलना। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, कहा कि होटल खोलने की मांग पर राज्यपाल अनिल बैजल को निर्देश देने के लिए कहा, लिखा है मंगलवार को केजरीवाल दोबारा फाइल भेजेंगे, आप उन्हें कह दें उन्हें वापस ना रोकें। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने अपने सभी विधायकों से 30% सैलरी कोरोना के लिए सीएम फंड में देने की अपील की। भारत ने चीन से मुकाबले के लिए पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में 40,000 सैनिकों को तैनात किया। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद करीब 17 लाख हो चुकी है। तो ये थी आज की 20 बड़ी खबरें, और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज मीडिया 47 हिंद की बात हिंदी।